एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। दोनों शहरों की तमाम हलचल पर रखे बिल्कुल नजदीकी नजर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद इम्तियाज अली एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूँ। देखते हैं आपकी कोशिश। मैं राकेश जायसवाल, कारपोरेटर जामबाग हैदराबाद। सभी मित्रों को नमस्कार, जय श्री राम। कल पूरा भारत देख चुका है कि कल पार्लियामेंट में हमारे भूतपूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने मणिपुर में मणिपुर के अवसर बात करते हुए वो भारत माता के कड़े शब्द इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि भारत माता की हत्या हो चुकी, उन्होंने कहा कि भारत माता जल गई है। और ये सुनकर उनके साथ बैठे जो कांग्रेसियों ने भी तालियां बजाए, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और मैं हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप राहुल गांधी को दोषी करार कीजिए और उनको पार्लियामेंट से नहीं बल्कि देश से भी निर्मत कीजिए। हम देख रहे हैं कांग्रेस का चरित्र कई घोटालों से उनका प्रारंभ हुआ है। आज जो भारत में तरक्की हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उनको देखा नहीं जा रहा है। आज कुछ पार्टियों ने मिलकर इंडिया बोल के ख्वाहिशों को रिक्वेस्ट करता हूं कि 2024 में भी भाजपा को जिताइए और एक सुरक्षित हमारे नरेंद्र मोदी विश्वगुरु जो है प्रधानमंत्री, फिर उनको बनाइए और ऐसा मौका दीजिए। भारत माता का जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।